अगर आपके घर परिवार या किसी दोस्त के ऊपर भूत प्रेत का साया है तो आप क्या करेंगे? ये बात हम सभी जानते हैं कि भूत प्रेत के साये से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इतना ही नहीं, ये ऊपरी हवा, बुरी नजर, काला साया या भूत प्रेत का साया होता है। इससे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है। किसी के ऊपर भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियाँ हावी होने लगती हैं, जिससे वो इंसान बीमार पड़ जाता है। बुरी आत्मा के साए के कारण किसी को भी काफी प्रताड़ना और दुख सहना पड़ता है। इसीलिए इससे बचने के लिए कुछ टोटके किए जाते हैं। इन टोटके के बारे में अगर पता हो तो परिवार के सदस्य या दोस्त को बुरी शक्तियों से बचाया जा सकता है। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में भूत प्रेत और मरने की बाद की शक्तियों का वर्णन किया गया है। मृत्यु के बाद किस तरह लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं, भटकती आत्माओं से लोग बीमार हो जाते हैं। ये बुरी आत्माएं कई बार किसी के शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। इसीलिए इन बुरी आत्माओं से बचने और फंस जाने पर उपचार के लिए ये तांत्रिक उपाय किए जाते हैं। अगर किसी पर काला साए का असर है तो जावित्री और सफेद अपराजिता के पत्ते के रास का नस से लेने से ये समस्या दूर हो जाएगी। ध्यान रखें, ये टोटका शनिवार या मंगलवार को ही करें। भूत प्रेत, काली नजर, टोना, टोटका से छुटकारा पाने के लिए लोबान, गंधक, राई एवं काली मिर्च को हनुमान यंत्र के ऊपर से 7 बार फेरकर घर के बीमार शख्स के पास रख दें। भूत प्रेत को दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में चिटचिटे या फिर धतूरे के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर उसे उल्टा गाड़ दें। उस टोटके से लाभ मिलेगा, पूरी शक्तियाँ दूर होंगी। काले साए से परेशान जातक शनिवार के दिन काले धतूरे की जड़ लाकर बीमार की दाहिनी भुजा में बांधे, इससे जरूर लाभ मिलेगा। ध्यान रखें, जहां भूत विषाज का वास हो वहां गाय को बांधे। गाय की सुगंध से भूत भाग जाते हैं। घर में भूत प्रेत का साया हो तो गाय का गोबर लेप दें, कंडा जला दें या फिर गाय का घी डाल देने से भूत भाग जाते हैं। अगर किसी पर भूत का साया हो तो उसके लिए एक उपाय करें, काली सरसों, सर्प की कैंचुली, काले बकरे का दाया सींग, नीम के पत्ते, अपमार के पत्ते, इन सब को कूट पीस कर चूर्ण बना ले, फिर जलते कंडे के ऊपर वे चूर्ण डालकर उसकी धुनी रोगी को सुंघा दें। भूत और काला साया उससे दूर भाग जाएगा।